हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं ये वाला स्केच शो करने जा रही हूँ विराट कोहली का, एंड इसकी आउटलाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर ली है। तो इसकी आइज़ ड्रॉ करने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं 2B पेंसिल से हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो फेस की शेडिंग है उसके लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो HB पेंसिल से शेड करके देन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद जो दूसरे डार्क शेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना कि आपने लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। सबसे पहले लाइट शेड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, जैसे मैंने HB यूज़ किया, देन 2B एंड अब 4B पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो शेडिंग के बाद ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्रशेस एंड जो कॉटन बर्ड्स हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। एंड देन फेस की शेडिंग के लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए मैंने डार्क जो ग्रेड्स हैं वो यूज़ किए हैं, जैसे कि 6B एंड 8B। तो इन ग्रेड्स का मैंने यूज़ किया है। तो सेकेंड आई जो है वो भी वैसे ही ड्रॉ कर लूँगी जैसे हमने पहली वाली ड्रॉ की थी। एंड इसमें आई बॉल जो है उसको बिल्कुल डार्क करना जरूरी है, लेकिन पहले मैंने इसे लाइट किया है। एंड जो आईरिस है उसके बीच में जो वाइट वाला एरिया है जो कि हाईलाइट होता है मेन, तो उसको आपने बिल्कुल वाइट छोड़ना है। तो यहाँ पे आप जो वाइट जेल पेन है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो मोनो जीरो रेजर है उसको भी यूज़ करके यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे HB पेंसिल से मैं साथ साथ शेडिंग कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो डार्क ग्रेड्स की पेंसिल है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको पिक्चर में से अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे डार्क एरिया है, एंड वहाँ पे आपने तब तक लेयर बाय लेयर शेडिंग करते रहना है जब तक कि आपको पूरी लाइक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि ये पिक्चर से बिल्कुल मैच कर रहा है एंड रियलिस्टिक लुक थोड़ा सा ना लगे। तब तक आपको ऐसे ही शेड करते रहना है एंड ब्लेंड करते रहना है। एंड आईब्रोज ड्रॉ करते टाइम हमें स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस साइड पे हमें स्ट्रोक्स लगानी है। उसी साइड में पहले लाइट लाइट थोड़ा स्ट्रोक्स लगा लेंगे, एंड जहाँ पे डार्क एरियाज हैं वहाँ पे 8B या फिर 10B पेंसिल का भी यूज़ करके वहाँ बिल्कुल डार्क कर सकते हो। नोज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं HB पेंसिल से बिल्कुल लाइट शेड कर रही हूँ, एंड उसको फिर ब्लेंड कर दिया मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ करके। एंड देन उसके बाद मैंने फिर से HB पेंसिल का ही यूज़ किया है एंड फिर से उसे ब्लेंड किया। उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें डार्क एरियाज नहीं मिल पाते किसी टाइम, एंड इसमें लाइट कलर शेडिंग करनी होती है बिल्कुल, एंड डार्क एरियाज को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऑब्जर्व करना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो डार्क एरियाज वहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है शेडिंग करने के लिए, एंड देन कॉटन बर्ड्स का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर दिया है। तो आप भी ये वाला स्केच ड्रॉ करके देख सकते हो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।